हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नियो ज्ञान। जैसा कि हमने नई गाड़ी ले लिया था, अब लमसम देख सकते हैं 1000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है गाड़ी। तो हम लोग अभी सर्विस के लिए जा रहे हैं और दोनों भैया हम लखनऊ चलिए सर्विस सेंटर पहुंचते हैं। वहां पहुंच के गाड़ी की सर्विस दिखाते हैं, क्या क्या होता है इसमें, कुछ चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। तो चलिए फटाफट सर्विस सेंटर पहुँचते हैं। देख सकते हैं आप, हम लोग सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं और अपनी गाड़ी यहां पर हमने पार्क कर दिया पीछे सर्विस सेंटर पे। अब थोड़ी देर में अपनी गाड़ी वॉशिंग के लिए चली जाएगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू कर देंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी कार वॉशिंग करवाते हैं। देखिए अपनी कार वॉशिंग होने लगी है, तो फटाफट वॉशिंग हो जाती है और उसके बाद आगे की जो सर्विस प्रोसेस है उसको डन करवाते हैं। जानकारी जैसे कि हमें मिली है कि सर्विस में इसमें कुछ नहीं होगा, नॉर्मल चेकअप होता है और जैसे कूलेंट कम है या ब्रेक ऑयल कम है और या रेडिएटर जो पानी नहीं होता है वो कम होता है तो उसको फिलअप करते हैं और थोड़ा बहुत जो गाड़ी पे नॉर्मल चेकअप होता है वो सब करते हैं। कोई चेक इंजन लाइट वगैरह नहीं आ रही है तो वो सब चीज़ें देखते हैं और गाड़ी के कुछ नट बोल्ट जो भी उनको लगता है कि ढीले ढाले तो नहीं हुए हैं। फर्स्ट सर्विस में बस इतना ही करते हैं और बहुत ही जल्दी हमारी गाड़ी की सर्विस मान लीजिए 30 मिनट में कंप्लीट करके डन करके पूरी गाड़ी अच्छे से वॉश करके अंदर बाहर से पॉलिश वगैरह करके देखिए फिट करके दे दिया था इन्हें। तो चलिए फटाफट से ये प्रोसेस डन होता है और गाड़ी में हम लोगों को कुछ एसेसरी लगवाना है तो वो लगवाते हैं, पहले ये काम फटाक से करवा लेते हैं। देखिए अपनी कार की पूरी सर्विस डन हो चुकी है और कार पूरी धुल के वॉश होकर आगे लग चुकी है। अब चलिए एसेसरीज का काम करवाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने अपनी कार पे स्पॉइलर लगवाया जो कि हमको लगवाना था ब्लैक कलर का, लेकिन ब्लैक कलर का अभी अवेलेबल नहीं था, अभी व्हाइट कलर का खाली अवेलेबल था और उसमें भी हमको बताया गया कि व्हाइट कलर का अवेलेबल नहीं है, इसमें हमने पेंट करवाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, पार्टिकुलर हर कलर का जिस कलर की गाड़ी आती है उस कलर का स्पॉइलर आता है और 4900 इसकी कॉस्टिंग होती है। हालांकि मुझे ये 5500 का पड़ा, बताया गया कि इसमें कलर अलग से हुआ है। तो चलिए इसको फटाफट लगवाते हैं और उसके बाद हमने गाड़ी पे साइड में जो डोर वायर होते हैं रैन के समय यूज आते हैं तो उनको लगवाया, उनकी हमें जो कॉस्टिंग आई है 3090 रुपीज़ की आई है। तो चलिए उसको भी फटाफट लगवाते हैं और कंप्लीट गाड़ी का आपको एक वॉक अराउंड लुक दिखाते हैं कैसा लगने के बाद लुक आया। तो चलिए पहले हम लोग लगवा लेते हैं। देखिए डोर वाइजर हमारे लगने के लिए निकाले जा रहे हैं और इनकी मैं एक बार आपको कॉस्टिंग भी दिखा दूंगा कि जो डिब्बे में प्रिंट पड़ा हुआ है वो क्या है और बिल जो है वो अलग ही है। तो चलिए फटाफट इसको लगवा लेते हैं और उसके बाद मैं आपको गाड़ी का पूरा एक वॉक अराउंड देता हूँ। देखिए ये जो डोर वाइजर है पूरे 6 पीस हैं और इनके ऊपर एक क्रोम लाइनिंग दी हुई है। तो चलिए इनको लगवाते हैं, देखिए लगने के बाद इसका क्या लुक आता है। और जो सर्विस सेंटर में काफ़ी महंगी कॉस्टिंग आती है, बाहर अगर यही मार्केट में करवाते तो कुछ रेट कम हो जाता, हालांकि सर्विस सेंटर की चीज़ जो रहती है अच्छी रहती है तो यही मेरे हिसाब से लगवाना चाहिए। जो डेली यूज की अच्छी चीज़ें हैं तो वो सर्विस सेंटर से लगवाएं और बाकी आपको ऐसा कुछ अलग से करवाना तो बाहर से भी करवा सकते हैं। तो इनको लगवा लेते हैं फटाफट। देखिए इनके अंदर 3M का टेप रहता है, उसको निकालना रहता है नॉर्मली और फटाक से ये चिपक जाते हैं, इनमें कोई टाइम नहीं लगता है। तो देखिए दो आगे लग चुके हैं और बाकी के लगवा के आपको मैं गाड़ी एक वॉक राउंड पूरा देता हूं। देखिए कार में डोर वाइजर और स्पॉइलर लग ही चुका है, अलॉय व्हील कंपनी ने पहले ही से दे दिया था और रूफ रेल्स भी पहले ही से लगी हुई थी गाड़ी में। अब देखिए गाड़ी का लुक और आप बताइए कैसी लग रही है कार। ये दो चीजें लगवाने के बाद लुक काफी हद तक अपग्रेड हो चुका है और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और एक्सेल 6 से रिलेटेड और भी चीज़ें जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं बराबर अब एक्सेल 6 के वीडियो डालता रहूँगा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ डस्ट लगी हुई थी तो इसको साफ़ कर देते हैं, ऐसे बाकी और कुछ नहीं है, स्क्रैच वगैरह कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है और गाड़ी अच्छी लुक आ चुका है बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, हम लोग का काम पूरा हो चुका है। देखिए अभी हम लोग सर्विस सेंटर के अंदर हैं और अपनी गाड़ी की जो सर्विस थी वो पूरी डन हो चुकी है, अब यहाँ पर कोई काम बचा हुआ नहीं है। एसेसरीज हमको दो ही चीज़ लगवाना था, स्पॉइलर और डोर वाइजर, उसको हमने लगवा लिया है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं क्योंकि अपनी सर्विस डन हो चुकी है और नेक्स्ट सर्विस में आपको मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग नियो ज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो आपको मिलते रहें।